नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कृधा प्रोडक्शंस। दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया जूझ रही है, लड़ रही है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे हैं जो ना तो क्वारंटाइन होना चाहते हैं और कुछ सितारे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में ही एडमिट होने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला एक सामने आया है। दरअसल भारतीय मूल की एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है जिनका नाम है बनीता संधु, उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट होने से ही इनकार कर दिया। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं। दरअसल बनीता संधु एक फिल्म की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड से लंदन गई, जिसके बाद दुबई होते हुए वो कोलकाता पहुंची। जब बनीता की एयरपोर्ट पर जांच हुई तब उनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए और उनका कोविड टेस्ट हुआ, जिसके बाद उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। इससे भी बड़ी बात ये कि जिस फ्लाइट से बनीता आई थी उसी फ्लाइट में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भी पाया गया। आप सभी को मालूम है जब से कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आया है उसके बाद से कितनी पाबंदियां लग गई हैं, यहां तक कि यूके में तो अब 7 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है नए स्ट्रेन की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जिस फ्लाइट में बनीता थी उस फ्लाइट में भी एक ऐसा मरीज मिला है जिसके अंदर कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। हालात को देखते हुए एम्बुलेंस बुलाई गई ताकि उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जा सके, लेकिन बनीता ने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छे से मालूम है कि इंडिया के सरकारी हॉस्पिटल्स का कितना बुरा हाल है, कैसी फैसिलिटी मिलती है यहाँ पर, मुझे अच्छे से मालूम है, इसलिए मैं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बनीता संधु अस्पताल से बाहर खड़ी रही, एम्बुलेंस में ही बैठी रही, कई घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इस दौरान एम्बुलेंस से उन्होंने भागने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेर लिया। फिर ब्रिटिश हाई कमीशन को भी इस बारे में बताया गया कि आपकी ब्रिटिश एक्ट्रेस किस तरह से इंडिया में बिहेव कर रही है, हम उसे इस तरह छोड़ नहीं सकते। इसके बाद ब्रिटिश हाई कमीशन ने पूरे मामले में इंटरफेयर किया और एक्ट्रेस को उसके बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अब हैरानी की बात सुन लीजिए, हैरानी की बात ये कि बनीता जिस फिल्म की शूटिंग के लिए इंडिया आई है उस फिल्म का नाम है कविता एंड टेरेसा, यानी कि ये फिल्म मदर टेरेसा की लाइफ पर बेस्ड ये फिल्म है। अब जरा सोचिए, जो हीरोइन मदर टेरेसा की फिल्म करने इंडिया आई हो वो असल जिंदगी में कैसी हैं? लापरवाहियों की सारी हदें पार कर दी बनीता ने, आप सबने सुन लिया इस खबर में। और लापरवाही की हदें तो कल भी एक खबर आई थी जिसमें पता लगा था कि सोहेल खान और अरबाज खान ने होटल में आइसोलेशन में रहने से ही इनकार कर दिया और इसीलिए बीएमसी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मामला बढ़ गया। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर के बारे में, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।